Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Luqman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer three types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Luqman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Hey there, मेरा नाम सक्षम गोयल है. इस बार के UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरी रैंक 27 है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट. मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मैंने 10th अपना आगरा से ही करा था. उसके बाद ह्यूमैनिटीज में मैंने DPS वसंत कुंज से अपना 12th करा. उसके बाद फिर सेंट स्टीवंस कॉलेज से मैंने BA प्रोग्राम करा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, जहाँ से मैं 2020 में ग्रेजुएट करा. तब मैं अंडर एज था, एक साल मैंने प्रिपरेशन करी और 2021 में मैंने ये एग्जाम दिया. अगर मैं अपने प्री प्रिपरेशन के बारे में बताऊँ तो मुझे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने का शौक है. मुझे US पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना शौक है. पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने का शौक है. कॉलेज के अंदर मैंने UPSC के बारे में सेकेंड ईयर में बहुत ध्यान से सोचा. मैंने कोचिंग भी अटेंड करी, जहाँ पर मुझे वो ज़्यादा समझ नहीं आई तो मैं ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करी. पर उस टाइम पे जो बेसिक बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत, उस टाइम बिपिन चंद्रा ज़्यादा चलती थी तो बिपिन चंद्रा, ये सारी किताबें मैंने उस टाइम पहली जो जिसे फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, मैंने वो फर्स्ट रीडिंग करी. उससे करने के बाद फिर समझ में आया कि एग्ज़ाम कैसे कैसे होता है. उसका सिलेबस भी समझा, कई सारी टॉपर टॉक्स देखी. इससे जो जब मैं प्रॉपर प्रिपरेशन में गया तो मेरा बेस एक तरीके से तैयार हो चुका था. थर्ड ईयर में फिर मुझे लगा कि शायद एकेडमिया में जाना चाहिए, लेकिन फिर फाइनली सिविल सर्विसेज के एग्जाम की ही मैंने सोचा. फिर थर्ड ईयर के बाद जब लॉकडाउन लगा तब मैंने जून जुलाई 2020 से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी. इसके बाद इससे पहले कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट दी स्ट्रैटेजी, दिस इज अ स्ट्रैटेजी. ये कई सारे लोगों की, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें हर एक को अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखना होता है. इसीलिए मैं पहले अपने एडवांटेजेस और फिर अपने डिसएडवांटेजेस गिना दूं, ताकि आप उसी हिसाब से इस कॉन्वर्जेशन से वही लें जो आपके काम की चीज़ हो. पहली चीज़ कि मेरी स्पीड ऑफ हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी. मुझे तेज़ी से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में हम लोग तेज़ी से लिखते हैं. तो मेंस में जो सबसे बड़ी हर्डल होती है आंसर ख़त्म करना, वो मेरे लिए हर्डल नहीं थी. तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की, पहले से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी. अगर आपकी राइटिंग स्लो है तो आप और पहले से स्टार्ट करें. दूसरा, कॉलेज एक्सपोजर. क्योंकि मेरे कॉलेज में कई सारे एलुमनाई थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, वो आते थे, तो मुझे वहाँ से बहुत एक्सपोजर मिला. अगर आप ऐसे कॉलेज में हैं तो आपको उसका फ़ायदा है. अगर नहीं है तो यही सारे ब्यूरोक्रेट्स अब YouTube पे भी कई सारे वीडियोस डालते हैं, आप उन्हें देख के वो एक्सपोजर पा सकते हैं. उसके बाद मुझे CSAT की मैंने तैयारी नहीं करी, ऐसे की मैंने तैयारी अलग से नहीं करी, वो मैं आऊँगा उस पर, और एथिक्स इंटेग्रिटी की मैंने तैयारी नहीं करी, तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा. इसके बाद फिर किस्मत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसमें. फॉर इंस्टेंस प्रिलिम्स के अंदर 87.54 कट ऑफ थी और मेरे मार्क्स आए 88.22. इसका मतलब है केवल 0.68 मार्क्स का डिफरेंस. तो फिर इसमें लक का जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अब आते हैं मेरी लिमिटेशंस पे. मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेज प्रिलिम्स था, क्योंकि कभी जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने की आदत थी नहीं, तो ये सबसे बड़ा हर्डल था. प्रिलिम्स वॉज द मोस्ट टफ, वॉज द टफेस्ट स्टेज फॉर मी. सेकेंड, पैराग्राफ स्टाइल में मुझे लिखने की आदत है. मेंस के अंदर हमको पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट्स में वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उस चीज़ को ट्रांजिशन करने में, बिकॉज और भी कई ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स होंगे, वो प्रॉब्लम होती है. तो ये एक और लिमिटेशन थी जिसपे मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा. उसके बाद फिर मेरे बीच में अगस्त 2020 में 2 महीने प्रिपरेशन के अंदर मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम थे, तो 1 महीना मेरा वहाँ भी चला गया. इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिनके ऊपर मैंने काम करा.
और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से कस्टमाइज करें। पहली बात है कस्टमाइज्ड प्लान, और दूसरी बात है बैलेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। मैं जो अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो आज बैठ के वापस देख के हाइंडसाइड में बता रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है, पहले दिन से किसी को स्ट्रैटेजी पता नहीं होती है। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए प्लान के अंदर कि जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उस हिसाब से चले, लेकिन वो बैलेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ ये है कि इतना भी ज्यादा फ्लेक्सिबल ना हो जाए कि किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तो आपका प्लान डगमगाने लगे। आपको खुद सोचना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्या वो दिशा जो पास्ट या क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अनुसार है या नहीं। अब मैं आता हूं क्योंकि एक ये प्रश्न मुझसे कई सारे लोगों ने पूछा कि अगर कोई फ्रेश एस्पिरेंट है तो वो किस तरह से शुरुआत करें। तो शुरुआत के लिए मैं कहूंगा सबसे पहले सिलेबस को बार बार और कई बार एक बार पढ़ी। ये चीज शुरुआत में मैंने नहीं करी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद करी तो इसका अर्थ समझ में आया कि हाँ, इससे एक चीज समझ में आ जाती है कि कहाँ से और क्या क्या पढ़ना। दूसरा पास्ट ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसी कई टॉपिक्स होंगी जो एक्सप्लिसिटली सिलेबस में नहीं लिखी होगी लेकिन आ जाएंगी, और ऐसी कई चीजें होंगी जो सिलेबस में लिखी हैं पर आती नहीं। तो इस हिसाब से जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको एक डायरेक्शन बता देंगे कि किस एक्सटेंट तक क्वेश्चन आते हैं। उनको बहुत ज्यादा एनालाइज करना मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन उन्हें पढ़ने से एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर, अगर आप पहले से न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं जैसे मैं पढ़ता था तो आप उसी हिसाब से पढ़ते रहें, लेकिन एक आदत कि दुनिया में चल क्या रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग का मेरा थोड़ा सा अलग तरीका था, वो मैं बताऊं। इसके बाद आते हैं कि ये करने के बाद फिर आप टॉपर टॉक्स देखें, बिकॉज मार्केट में ज्ञान बहुत ज्यादा बट रहा है और ज्ञान बांटने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है वो आपको टॉपर टॉक से ही मिल सकती है। वो भी आपको अपने हिसाब से, अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हिसाब से ही लेना चाहिए, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो है वो उन टॉक्स में ज्यादा होती है। उसके बाद फिर अपनी, जैसे मैंने अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करा, आप लोग करें, अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। जैसे मेरा हिस्ट्री बहुत ज्यादा खराब था, मेरा पॉलिटी अच्छा था, इकोनॉमी अच्छा था, तो उस हिसाब से अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके फिर उस हिसाब से अपने प्लान को कस्टमाइज करें। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में जोश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत करें, और क्योंकि एक साल, इनफैक्ट दो साल की रेस है, एक साल की प्रिपरेशन और एक साल का एग्जामिनेशन, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, एक टॉपर ने कहा था। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए स्लोली प्रोसेस को समझते हुए स्टार्ट करें ताकि बहुत देर तक आप सस्टेन कर सकें। उसके बाद अपने एक टेंटेटिव सोर्सेज की लिस्ट जरूर बना लें कि आपको इन्हीं सोर्सेज पे अपने आप को लिमिट करना है, बिकॉज सोर्सेज बहुत ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं होगा। 10 किताब पढ़ के उनके नोट्स बनाने से शायद एक क्वेश्चन किसी एक साल में ज्यादा निकल जाए, लेकिन उसमें आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, तो वो मत करिए। अब मैं आता हूं अपने एक इंपॉर्टेंट चीज पे कि जो मेरे आंसर राइटिंग के अंदर मुझे बहुत ज्यादा जिसने हेल्प करा वो था बियॉन्ड यूपीएससी, जिसे यूपीएससी के बाहर की चीजें जो हैं वो जो मैंने पढ़ी थी अपने कॉलेज के समय में, अपने स्कूल के समय में, उन्होंने मुझे मदद करा। जो मैं किताबें पढ़ता था या फिर जो डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, यूट्यूब पे जो वीडियोस देखता था, उन सब का बहुत महत्व है। अब अगर आपको शुरुआत करनी है, जो लोग अभी अपने कॉलेज के दिनों में हैं, मैं उन्हें कहूँगा यूपीएससी की प्रेपरेशन ना करके इन चीज़ों की प्रेपरेशन करके आप अपनी पर्सनैलिटी बनाएं। जैसे अगर आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो ब्यूरोक्रेसी काम कैसे करती है उसके बारे में पढ़ें। कैसे, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपनी किताबें आजकल ज्यादा लिखने लगे हैं, पहले कम लिखते थे। पीसी अलेक्जेंडर की किताब हो गई, बीडी पांडे की किताब हो गई, कौशिक बसु की किताब हो गई, इन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों को पढ़ के गवर्नमेंट कैसे चलती है उसका आइडिया भी लगता है, और आगे जाके आप इनके इंस्टेंसेस को कोट भी कर सकते हैं आंसर्स में। जब मैं पढ़ रहा था तब नहीं सोचा था कि यूपीएससी में काम आएगा, पर काम आ गया। उसके बाद अब मैं अपने सोर्सेज बता दूं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स मैगजीन। न्यूज़पेपर मैंने स्टार्टिंग के 2-3 महीने पढ़े, उनके नोट्स भी बनाए,
जो YouTube पे वीडियोस एडिटोरियल वाले आते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस, उनको भी देखता था। फिर 5-6 कोचिंग्स की जो एक एक पेज वाली समरी आती है वो भी देखता था, बैठ के नोट्स बनाता था। ऐसे करा 1 महीने बहुत अच्छे से करा, उसके 1-2 महीने थोड़ा कम करा, लेकिन उन सब का कोई फायदा नहीं देखा क्योंकि वो सारी मेहनत कोचिंग वाले करंट अफेयर्स मैगजीन में फ्री में दे ही रहे हैं। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया और फिर वो फोल्डर कभी भी नहीं खुला। मेरे सारे नोट्स स्पेशली प्रीलिम्स के डिजिटल ही थे, मैंने वर्ड पे बनाए ताकि कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो इजी रहता था, और पूरे किताबों के बंडल नहीं बन जाते थे। हालांकि ये ट्रांजिशन करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं वो पेन एंड पेपर वाले नोट्स की मुझे आदत थी, पर ये ट्रांजिशन एक बार कर लें तो फिर मेरे हिसाब से फायदा होता है। मैं कभी एवर नोट और ये जो एप्स होती हैं इनमें जा नहीं पाया बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स कर देती हैं प्रोसेस को, और आईपैड के अंदर भी मेरे फ्रेंड्स नोट्स बनाते थे, वो मुझे इसलिए नहीं पसंद था बिकॉज कलर ही चेंज करते रह जाते हैं, उसे सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। एमएस वर्ड सिंपल सादा जो होता था मैं उसी पे नोट्स बनाता था। करेंट अफेयर्स मैगजीन उनके मैं नोट्स भी बनाता था, 1 पेज 1 टॉपिक। दूसरा इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन को मैं हर 3 महीने बाद जाके देखता था कि जो भी टॉपिक्स करेंट अफेयर्स मैगजीन में कवर नहीं हुए हैं और यूपीएससी के लिए रेलिवेंट हैं, लगभग 3 महीने के केवल 100-125 होते थे, उन सब के नोट्स बना लेता था। इसमें ज्यादा नहीं, 1-2 दिन ही लगता है, सुनने में शायद प्रोसेस बहुत टफ लग रहा हो लेकिन 1-2 दिन में उन सब 100-125 आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स बन जाते थे। तो साल भर मिला के मेरे पास लगभग 60-65 पेज के एक ही डॉक्यूमेंट बन गया था जो करेंट अफेयर्स मैगजीन के टॉपिक्स नहीं है बट फिर भी मुझे लगा रेलिवेंट है मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए। तीसरी चीज, मैंने क्रैश कोर्स लिए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, नेक्स्ट आईएएस से, वहाँ से भी मुझे फ़ायदा मिला, और एक और वाजीराम से मैंने करंट अफेयर्स का कोर्स लिया था, वहाँ से भी। उसके बाद मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो इकलौता आपके मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं अभी बता देता हूँ। मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के ही पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे किसी प्राइवेट एजेंसी ने कोई रिपोर्ट निकाली, अब उस रिपोर्ट में कोई डेटा है, उस डेटा के बारे में कोई क्वेश्चन बना दिया। यूपीएससी कभी प्राइवेट एजेंसीज के रिपोर्ट्स के डेटा के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, पर मॉक टेस्ट में आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को इग्नोर भी करना होता है। कई टेस्ट जानबूझ के शायद टफ भी बनाते होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी उसके अंदर हैं। अगर 100 क्वेश्चन हैं तो ज्यादातर 65-70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूपीएससी में उनका रेलेवेंस है, तो उनके नोट्स बना लेना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से मेनली करंट अफेयर्स कवर हो सकते हैं। फाइनल सजेशन अगर मुझे देना हो ये सब करने के बाद, अगर करंट अफेयर्स मैगजीन और कई सारे मॉक टेस्ट, 60-70 मॉक टेस्ट दिए जाएं तो करंट अफेयर्स आराम से कवर हो जाएंगे। और अगर आइसिंग ऑन द केक करनी है तो फिर इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड का जो सेक्शन है वो आप और कवर करें। इसके बाद मैं आऊंगा अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स पे, इससे पहले कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स के सोर्सेज अपने डिस्कस करूं। मैंने अपने नोट्स जैसे मैंने बताया ऑनलाइन बनाए, मेरे 2 फोल्डर थे, एक फोल्डर था यूपीएससी डायनामिक और एक फोल्डर था यूपीएससी स्टैटिक। यूपीएससी स्टैटिक में मैं जो हमारे कन्वेंशनल बुक्स होती हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, शंकर, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इन सबके नोट्स बनाए और फाइनली उन सबको कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट बनाया। इसी तरह जो मेरा करंट अफेयर्स डायनामिक वाला था उसके अंदर एक तो ये करंट अफेयर्स के जो मेरे नोट्स आते थे, जैसे विजन के जो मैंने बताए मैगजीन में बनाता था नोट्स, वो दूसरा मैंने एक ओपिनियन पेज का बनाया बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ने ऑलमोस्ट बंद सा ही था, तो उसके अंदर जो ओपिनियन पेज था वो मैं दोनों का पढ़ता था, हिंदू का भी और इंडियन एक्सप्रेस का भी, क्योंकि केवल 2-2 पेज पढ़ने थे तो दोनों न्यूज़पेपर कवर हो सकते थे, वो भी मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था। इन दोनों में मैंने कुछ ऑथर्स आइडेंटिफाई कर लिए हर फील्ड से, जैसे इकोनॉमी के अंदर अशोक गुलाटी या मनीष सबरवाल, ऐसे पॉलिटी के अंदर भी कई सारे लिखते हैं, तो इस हिसाब से आइडेंटिफाई कर लिए थे हर एक के उस डायनामिक के अंदर ओपिनियन पेज के फोल्डर के अंदर एक इकोनॉमी सेक्शन, एक पॉलिटी सेक्शन, एक सोशल इश्यू सेक्शन, ऐसे बना लिए। उस इकोनॉमी सेक्शन फॉर इंस्टेंस के अंदर मैंने ऑथर्स के अलग अलग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाए और उनके नोट्स बना लिए जो भी जब भी वो लिखते थे, तो ऐसे करके मेरे जो नोट्स थे वो ऑथर वाइज बने। तो जब मैं आंसर में लिखूंगा मैं उन्हें कोट कर सकता हूँ कि अच्छा मनीष सबरवाल ने ये बोला है, तो एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आंसर की। एंड में जाके जब मेंस पास आ गया था उस टाइम पे मैंने उन सब को 2 फोल्डर में डिवाइड करा, एक इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि मेरा ऑप्शनल था,
और एक अदर्स जो ऑप्शनल वाला इंटरनेशनल रिलेशंस था, क्योंकि उसके अंदर ORF से भी चीजें मैंने लिखी थी, तो वो लगभग 190 पेज के आसपास का डॉक्यूमेंट बना और बाकी सारे टॉपिक्स जो थे वो सब मिला के 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना। उसको ऊपर ऊपर से एक दो बार पढ़ लिया क्योंकि नोट्स थे मेरे ही थे तो मैं कई बार उसे पढ़ सकता था जल्दी से, तो फिर वहां से मैंने कई कोट्स करे। ये एक एडिशनल चीज थी जो मेरे ख्याल से मीन्स में काम आई, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स के अंदर मैंने कवर करी। इसके बाद अब सोर्सेज में एनवायरमेंट पे आए तो फिर शंकर आईएएस जो बुक है वो आपका बेस बनाती है, पर जो मेन चीज है वो करंट अफेयर्स ही है एनवायरमेंट के अंदर। एनवायरमेंट के अंदर अगर प्रीलिम्स में बात करें तो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर करंट अफेयर्स स्टैटिक मिलाने के बाद भी स्मार्ट केसेस करने होते हैं, इसीलिए मॉक्स इंपॉर्टेंट है। बट मेरे लिए शंकर आईएएस था और करंट अफेयर्स थे। ज्योग्राफी के अंदर सब लोग यही करते हैं एनसीईआरटी की क्लास 11th एंड 12th, मुझे थोड़ी ओवररेटेड लगी बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कई टॉपिक्स सही से कवर्ड हैं, स्पेशली एक मॉनसून टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़ा बाहर से और पढ़ लेना चाहिए। जीसी लियोंग की मैंने बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करी, एक मैपिंग के कोर्स था उसके मैंने नोट्स का इस्तेमाल करा और करेंट अफेयर्स। इंटरनल सिक्योरिटी क्योंकि शुरुआत में जोश ज्यादा था, सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी उठी थी, तो इंटरनल सिक्योरिटी में एक बुक है टाटा मैग्रॉ हिल की, कुमार एंड अनिकांत, उसके मैंने नोट्स बनाए थे, 19 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो मैंने नोट्स बनाए थे। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी टॉपिक्स वही आती हैं, मेंस का ही टॉपिक है ये, वही आती हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स में हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई या इस टाइप के ड्रोन का मसला हो गया, वो सारे टॉपिक करंट अफेयर्स में आप कवर करते ही हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक के अंदर मैंने स्टैटिक पूरा छोड़ दिया था बिकॉज 10th तक का आता है, 10th तक का मेरा साइंस स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद करंट अफेयर्स जो है उससे ज्यादातर, जो फ्रंटियर टॉपिक्स हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां के लिए ऑफकोर्स करंट अफेयर्स। दूसरा यूट्यूब पे जनरली वीडियोस देखना है, कुर्ज़गिज़ार्ड वीडियोस आते हैं, इस टाइप के वीडियोस मैं देखता रहता था कि कैसा चल रहा है। उसके बाद मॉक टेस्ट में कई सारे साइंस के क्वेश्चंस अच्छे आते थे, वहीं मेरी प्रिपरेशन हो गई। एक अलग रजिस्टर बनाया था जिसके अंदर अंत आते आते 250 पेज लगभग भर गए थे, जिसके अंदर लार्जली डायग्राम से ही मैंने अपने साइंस के सारे नोट्स बनाए। किताबें मैंने खरीदी थी पर उसमें से कोई भी किताब का एक भी पन्ना पढ़ा नहीं गया क्योंकि इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। फिर आते हैं गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस एक्चुअली ये किताब इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 अमिताभ कांत की है, ये यूपीएससी के लिए किताब नहीं है, ना ही यूपीएससी के लिए पढ़ी थी, लेकिन जब गवर्नेंस का टाइम आया, कोई अलग किताब पढ़ने का ना ही मुझे टाइम मिला ना ही मुझे लगा जरूरत है, तो फिर इसी किताब के जो पहले 7 चैप्टर थे उनके मैंने नोट्स बना लिए लगभग 10-12 पेज में, उन्हीं को कोट वोट भी कर सकते हैं, वरना जो करंट अफेयर्स है उसी से कवर हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी था, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था, तो उसको मैं उसके अंदर जो मेरे कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं ORF हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, जो बुक्स मैंने ग्रेजुएशन के समय पढ़ी थी वही काम आई। इकोनॉमी के अंदर अगेन मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 में पिछले 6-7 साल से, जब से अरविंद सुब्रमण्यम जी, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम जब लिखते थे उस जमाने के इकोनॉमिक सर्वे से मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो तो एक आदत है। उसके अलावा एक विवेक सिंह बुक है, वहां से जो स्टैटिक पोर्शन था वो मैंने थोड़ा कवर करा, और बाकी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, इसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन बहुत ज्यादा काम आता है। फिर पॉलिटी अगेन मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही था, उसके अलावा लक्ष्मीकांत, लेकिन जो मैंने बताया था पहले बियॉन्ड यूपीएससी, ग्रैनविल ऑस्टिन, विद्युत चक्रवर्ती, इस टाइप भार्गव एंड विनायक, इस टाइप की जो बुक्स थी वो मुझे लगता है कि ज्यादा काम आई। लक्ष्मीकांत की वैल्यू शायद कम होती जा रही है, लेकिन अगर आप फ्रेश एस्पिरेंट हैं या फिर आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं है तो लक्ष्मीकांत तो जरूर कवर कर लेना चाहिए, मैंने भी कराई थी। फिर आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री सबसे ज्यादा मेरे लिए ट्रिकी पोर्शन था बिकॉज मुझसे हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाता था, तो हिस्ट्री में एक होता है एंशियंट इंडिया, मिडीवल इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैंने एंशियंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब छोड़ दिया, सिरे से छोड़ दिया, और केवल मॉडर्न इंडिया करा। फिर एंशियंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री में इसलिए कर सकता था क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा सब्जेक्ट था, बाकी तीनों में याद ही नहीं कर सकता। बस आर्ट एंड कल्चर का मैंने 1-2 घंटे का वीडियो 2 दिन पहले देखा था, लेकिन उसके अलावा और कोई प्रेपरेशन नहीं करी थी। मॉडर्न इंडिया मैंने स्पेक्ट्रम से करा था, उसके नोट्स बनाए थे, लगभग 65 पेज के नोट्स थे, उन्हीं को फिर बार बार रिवाइज मैंने करा।
तो हिस्ट्री में मेरी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इससे मैं ये जरूर कहूंगा, इससे आप ये मत लीजिए कि हिस्ट्री पढ़नी ही नहीं है। मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ भी लूंगा तो भी एग्जाम तक मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एथिक्स इंटेग्रिटी में एक बहुत मोटी किताब आती है, मैंने वो खरीदी थी और उसके दो पेज पढ़ने के बाद फिर मुझसे वो पढ़ी नहीं गई। तो फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाए और मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे। तो फिर मेरे ख्याल से एथिक्स इंटेग्रिटी में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एथिक्स इंटेग्रिटी के मॉक्स देना। और उसकी अगर पढ़ाई करनी है तो अब हाइंडसाइट में मैं ये कह सकता हूँ कि जो टॉपर की, जो टॉपर्स की कॉपीज हैं, उन सबको अगर पढ़ लें तो वहीं से आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। बिकॉज घुमा फिरा के बातें तो वही होती हैं, केस स्टडीज कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, एक वो फॉर्मेट पता चल जाए, और जो बातें सेक्शन ए में आती हैं जो थ्योरेटिकल एथिक्स है, उसमें वही बातें रिसाइकल करनी होती हैं। फिर ऐसे के अंदर भी मैंने बहुत ज्यादा अलग से प्रैक्टिस नहीं करी। हाँ, जो मैंने किताबें पढ़ रखी थी उनके अंदर से जो इंपॉर्टेंट कोट्स थी वो मैंने निकाल के एक डायरी में लिख ली, और अगर कोई मुझे याद आए, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसकी कोई कोट अच्छी याद आ गई, या फिर कोई टीवी सीरीज देखी थी उसकी कोई कोट अच्छी याद आ गई, वो सब मैंने एक डायरी में लिख ली थी। तो फिर वो जो डायरी थी वो मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ डायरी ऑफ आइडियाज थी, उसको मैंने इस्तेमाल करा। बाकी क्योंकि कॉलेज में भी एसेज लिखने का हमें प्रैक्टिस था, इसलिए बहुत ज्यादा उसके लिए अलग से मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इस सारी चीज से कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग जिसे हम कह सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो मैं अभी बोलूंगा। क्योंकि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर रेगुलरली अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। तो क्या कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजाइज करें? एक है कि नोट्स, अगर आप नोट्स बनाते हैं, मेरे ख्याल से नोट्स बनाने चाहिए ताकि जल्दी रिविजन हो, तो सबसे पहले वो डाइजेस्टेबल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर 200 पेज की किताब है तो 150 पेज के अगर नोट्स बनाए तो फिर कोई फायदा तो हुआ नहीं। दूसरी चीज, वो कंपाइलेबल और कंपाइलेबल होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमी के नोट्स हैं, पॉलिटी के नोट्स हैं, इन सारे नोट्स को मिला के एक फाइल बन जाए जो कि एक साथ पढ़ी जा सके। तीसरी चीज, नो बकवास नोट्स। इकोनॉमी फॉर इंस्टेंस है तो इकोनॉमी के नोट्स में स्टार्टिंग में इकोनॉमी की डेफिनेशन, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आएगा ही नहीं। सीधा शुरू करिए, GDP equals C plus I plus G plus X minus N, 2015 changes in GDP, इस हिसाब से, जो केवल काम की चीजें हैं। बिकॉज बाकी बेसिस इकोनॉमी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो तो पता ही है, वो थोड़ी भूलेंगे। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर भूल सकते हैं तो वो चीजें लिख लीजिए। इसीलिए कस्टमाइज नोट्स। दूसरी चीज, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग, किस चीज को कितना वेट देना है। जैसे जितनी बुरी मेरी हिस्ट्री थी शायद उतनी ही बुरी मेरी ज्योग्राफी थी, पर ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा है तो ज्योग्राफी में छोड़ नहीं सकता था, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हिस्ट्री के अंदर भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर नहीं करता तो वो नहीं छोड़ी जा सकती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम वेटेज दे सकते हैं। तो किस बेसिस पे करें, एक उसका एग्जाम में क्या वेटेज, इकोनॉमी कोई नहीं छोड़ सकता फॉर इंस्टेंस। दूसरा, इंटरेस्ट आपका कितना है, अगर कोई हिस्ट्री में ग्रेजुएट है तो वो तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर नहीं छोड़ेगा ज्यादातर। तीसरा, क्या हो चुका है, अगर ऑलरेडी कर चुके हैं, लेट्स से इंटरनल सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट है जो शायद मेंस में छोड़ के भी जा सकते हैं, वहां पे खुद एक 10 नंबर 15 नंबर का आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हो चुका है तो फिर उसको सही से रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि वहां पे 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। फिर तीसरा, ये हर कोई कहता है, मेरा भी मानना है सही बात है, मल्टीपल रीडिंग्स और आइदर ऑफ द बुक और ऑफ द नोट्स। मैंने नोट्स की करी, अगर आप बुक में कंफर्टेबल हैं तो बुक में, बट मल्टीपल रीडिंग्स, मल्टीपल रिविजन्स, बिकॉज एक बार पढ़ के अगर आज पढ़ लिया तो एक साल बाद याद नहीं रहेगा। चौथी चीज जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीपल व्यूज। आंसर के अंदर जैसे मैंने बोला, ओपिनियन पेजेस से जो मैंने नोट्स बनाए थे उनको कोट करने से एक क्रेडिबिलिटी ऑफ द आंसर बढ़ता है। इसके अंदर खतरा यह है कि ज्यादा कोट नहीं करना है, और जिन्हें आप कोट कर रहे हैं वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स ना हो, लेकिन जो एकेडमिक्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या फिर जो लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर में लिखते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनके व्यूज को अगर आप कोट करें, बैलेंस्ड कोट करें, तो फिर मेरे ख्याल से उससे एक वैल्यूएशन होता है। उसके बाद एक जैसे मैं एवरेज प्लस मॉडल कहूंगा कि मेंस में ज्यादातर लोग सेम ही आंसर लिखते हैं क्योंकि नॉलेज बेस हर एक का सेम है, तो उसके अंदर एक लाइन या दो लाइन, या तो सेकंड पैराग्राफ में या पेनल्टीमेट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में,
अगर ऐसी लिख दें जैसे मैंने कोर्ट का कुछ बताया, कोई और एक्स्ट्रा चीज लिख दें जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल ना हो पर इंटरेस्टिंग हो और रेलेवेंट हो, और ऐसा हम लोग 20 क्वेश्चन में, लेट्स से 4-5 क्वेश्चन में भी करते हैं, तो एक ही एवरेज प्लस मॉडल हो जाता है जिससे शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाए। इसके बाद मजाक में जैसे कह सकते हैं बी लेजी, अगर कोई और आपके लिए काम कर रहा है और उससे आपको उतना ही फायदा हो रहा है तो उन्हें करने दीजिए और आपको देने दीजिए। इसका अर्थ यह है कि अगर करंट अफेयर्स मैगजीन्स में पूरी टीम बैठ के आपके लिए करंट अफेयर्स बना के आपको दे रही है जो नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो फिर बैठ के उसके नोट्स बनाने का मुझे फायदा नहीं दिखा। फिर आते हैं अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पे। डीकेटी यूपीएससी सीएस, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएसई चैनल। यहां आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। प्रीलिम्स मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और सबसे ज्यादा रैंडम प्रोसेस है। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि अगर ये एक लॉजिस्टिकल नेसेसिटी नहीं होती तो शायद यूपीएससी प्रीलिम्स रखता ही नहीं, क्योंकि 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं पेपर में, इतनी मेंस की कॉपीज चेक नहीं हो सकती, इसलिए एक लॉजिस्टिकल नेसेसिटी है, इसीलिए शायद ये क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन अब है तो है, करना ही पड़ेगा, और इसके अंदर इतनी रैंडमनेस है कि मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को 100 क्वेश्चंस में से 30-35 से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे। ज्यादा अगर कोई बहुत ज्यादा विद्वान है तो शायद 40 आ जाए, पर नंबर तो 100 के आसपास लाने हैं। तो इसके लिए मॉक्स की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अपने प्रीलिम्स के मार्क्स बता दूं, मेरे मार्क्स 88.22 आए थे जो कि कट ऑफ से केवल 0.68 मार्क्स ज्यादा है। दूसरी बात, इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो और इस बार बढ़ गई है, क्योंकि जो एलिमिनेशन मेथड है उसको सर्कमवेंट करने का एक तरीका निकाल लिया है यूपीएससी ने, जिसके अंदर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर वाले ऑप्शंस हैं, जैसे इस बार के पेपर में देखा गया। हमारे साल में भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आ गए थे जो कभी आते नहीं है, तो इस हिसाब से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा जुगाड़ पे बेस्ड है। जुगाड़ और स्मार्ट वर्क मेरे हिसाब से एक ही चीज है, बस एक यूफेमिज्म है और एक रियलिटी है। दूसरी चीज, सोर्सेज मैं बता चुका हूँ, वही कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। उसके अलावा मॉक्स देने का कोई राइट टाइम नहीं होता, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी और अब आप मॉक देना शुरू करेंगे। व्हेनेवर यू फील कि जो बेसिक टेक्स्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं तो फिर मॉक्स देना शुरू करते हैं। इसके अंदर एक चीज जो शायद अनएथिकल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझमें वो हिम्मत बन नहीं रही थी मॉक्स शुरुआत में देने की, तो मैंने करी। मैं एक पेज लेता था जिसमें 1 से 100 तक लिखता था, और इसमें मैं मार्क करता था, अच्छा ये वाला मुझे पता है सही है, ये वाला G2 है मतलब मैं आई एम गेसिंग आउट ऑफ 2 ऑप्शंस, G3 है मतलब आई एम गेसिंग आउट ऑफ 3 ऑप्शंस, और क्वेश्चन मार्क है मतलब ब्लैंक तुक्का है। अब इसके अंदर मेरे नोट्स बगल में होते थे और उसके अंदर आंसर भी लिखा है, तो फिर मैं स्टार्टिंग के टेस्ट में आराम से मैंने अपने नोट्स में से देख के भी आंसर लिखे। अब ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये मेरे नोट्स की कमी की वजह से, मुझे नहीं पता लैक ऑफ रिविजन की वजह से। तो अगर मैंने नोट्स 4-5 बार रिवाइज कर लिए तो फिर मेरे ये आंसर ठीक हो जाता, तो फिर इससे मुझे पता चले मेरी प्रिपरेशन की डायरेक्शन जो है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है, क्या नोट्स में कमी है या फिर मेरे उसमें प्रिपरेशन में कमी है, ये पता चल गया। तो ऐसे करके भी अगर शुरुआत करनी पड़े तो करिए, लेकिन मॉक्स देने की शुरुआत करिए, और वो जो एक मोमेंटम बनता है मॉक्स देते रहने का, वो मोमेंटम बन जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगर अटेम्प्ट करने की बात करें तो एक फ्रेमवर्क दिमाग में रहना चाहिए। फ्रेमवर्क कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फ्रेमवर्क दिमाग में रहता है जब प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि 30 क्वेश्चन हमको आते होंगे और हमको अटेम्प्ट लगभग 90 के आसपास करने होते हैं, अगर 90 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, 30 हमें आते हैं, तो हम 60 में इंटेलिजेंट गेसेस कर रहे हैं। हमें इसके अंदर एक्यूरेसी 50% पे लानी है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, 30 हमें आते हैं, 30 हमारे इंटेलिजेंट गेसेस सही गए, 30 गलत गए और 10 अटेम्प्ट नहीं गए। इसका मतलब हुआ 60 सही, 30 गलत, 10 नॉट अटेम्प्टेड। 60 सही 120 नंबर, 30 गलत 20 नंबर गए, मतलब 100 नंबर आ गए, 200 में से 100 नंबर। ये एक फ्रेमवर्क अगर बना के चले, क्योंकि 100 नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो ही जाती है आजकल, ये फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर प्रीलिम्स को एक स्टार्टिंग में अप्रोच करें तो फिर मेरे ख्याल से इजीयर रहेगा।
दूसरा मॉक्स कितने देने चाहिए, जितने दे सके। सारे टॉपर टॉक्स में मैंने एक कॉमनैलिटी ये देखी है कि उन्होंने मॉक्स बहुत सारे दिए हैं। अगर आप फ्रेश अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से 70-80 का टारगेट रखना चाहिए। मैंने मेरे ख्याल से 55 के आसपास दे पाया था, लेकिन टारगेट 70-80 रखना चाहिए। तीसरा, लिमिटेशन ऑफ मॉक पेपर्स मैं बता चुका हूँ कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते हैं। यू शुड बी सेंसिबल इनफ, यू शुड हैव द कॉमन सेंस कि आप उनको उन पे ज्यादा ध्यान ना दें। उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने फ्रेंड्स जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया उनके लिए कि सारी प्रिपरेशन एक तरफ हो जाती है, लेकिन जो आपका मेंटल एट, जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो आपका एटीट्यूड है उस डी डे के दिन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 120-130 भी ला सकते हो, लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, अगर आपको एंजाइटी हो जाती है, अगर पिछली दो रात आप सोए नहीं हो, या फिर आपने खाना जो है बहुत ज्यादा जंक फूड भी खा लिया, आपका मूड ठीक नहीं है, तो फिर आपका प्रिलिम्स में जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत कम हो जाएगी। और प्रिलिम्स में अगर इफेक्टिवनेस थोड़ी भी कम हुई तो मार्क्स ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिलिम्स के टाइम पे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स इन सब के साथ बात करें, फोर्स योरसेल्फ टू रिलैक्स। मैंने अपने प्रिलिम्स से पहले मूवीज भी देखी, मैं बाहर डिनर पे भी गया, सब कुछ करा इसलिए ताकि मैं रिलैक्स्ड रहूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं प्रिलिम्स के लिए कहूंगा। इसके बाद फिर मेंस आंसर राइटिंग पे आते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में सबसे पहले एसे, एसे के अंदर मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी क्योंकि समय भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर मेरे साथ एक अगेन किस्मत की अच्छी चीज हुई कि फिलोसफिकल एसेज आते हैं। अगर एजुकेशन हेल्थ इन सब पे आता तो मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं था, वही जीएस वाला डेटा ही था। फिलोसफिकल आ गया, वो मेरा टर्फ था, तो उसके अंदर मैं लिख सकता था। दूसरी चीज जो मेरे ख्याल से मैंने स्मार्ट वर्क कह सकते हैं या जुगाड़ कह सकते हैं, वो ये करा कि मेरा जो एसे का पेपर था वो 7 जनवरी 2022 को था। आप खुद सोचिए 6 जनवरी 2022 को क्या था? एक साल की एनिवर्सरी थी कैपिटल राइट्स की जो यूएस में हुए थे, जहां पर कैपिटल पे कुछ लोग घुस गए, बहुत बड़ा इवेंट था। तो मुझे ये पता था कि उसके ऊपर कोई बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आएंगे यूएस के न्यूज़पेपर्स। तो मैंने 6 जनवरी 2022 को, मैं पहले न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता था, एक साल बीच में छोड़ना पड़ा, मैंने 6 जनवरी 2022 को न्यूयॉर्क टाइम्स खोला। उनके बहुत पुराने राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, मेरे पास अभी भी उसकी कॉपी है, कि उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था इतनी अच्छी लाइंस उसमें डेमोक्रेसी के ऊपर और इन सारी चीजों के ऊपर लिखी थी। और मुझे पता था डेमोक्रेसी है, उस पर तो लिख ही सकते हैं, किस हर ऐसे के अंदर डेमोक्रेसी तो यूज हो ही जाएगा, तो फिर वो मैंने लिख लिया। इसी तरह मैंने एक चीज ये सोची कि ये तो हर कोई कहता है कि हर जो पैराग्राफ है वो एक थीम बेस्ड होना चाहिए, इकोनॉमी कॉमा दिस, पॉलिटिकली कल्चरली, और ये मेरे ख्याल से यूपीएससी चाहता भी है। लेकिन इसके साथ में मैंने थोड़ा सा नुआंस डालने की भी कोशिश करी। जो लोग ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं उनको मैं ये कहूंगा कि ये एकदम जो आप हाईली नुआंस ऐसे लिखते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, कई बार वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाएगा। जो ऐसे है उसी फॉर्मेट में जैसे लिखा जाता है वही करें, बस उसके अंदर थोड़ा सा एडिशनल नुआंस डालें, जैसे मैंने एवरेज प्लस मॉडल जो कहा था उसी बेसिस। तीसरा एक और चीज जो मैंने करा वो ये था कि बहुत ज्यादा हैवी करने की जगह, एक विक्रम ग्रेवाल हैं जो 2019 के रैंक 51 थे फॉरेन सर्विसेज में, उन्होंने भी शायद स्पाइडरमैन या मार्वल को कोट करा था, मैंने भी डाउनटन एबी एक सीरीज है उसको कोट करा, ताकि थोड़ा सा लाइट भी लगे कि हाँ दिस, इसमें सारी सीरियस स्टफ नहीं लिखा हुआ है जो सब लिख रहे हैं, थोड़े से लाइट मोमेंट्स विच आर रेलेवेंट टू दी एसे वो भी लिखे गए। एसे के लिए इतना ही था। अगर एसे की शुरुआत की बात करें तो मैं ऐसे कोई शुरुआत का सेट पैटर्न नहीं बना के गया था, जैसे शुरू करने का मन करे वैसे करें, टाइम बहुत होता है एसे के अंदर, तो फिर आराम से पहले 5-7 मिनट 10 मिनट सोचें कि क्या लिखना है, किस पे लिखना है, और एक बार शुरू करें तो फिर अपने आप को डाउट ना करें, व्हाटएवर विल कम आउट ऑफ योर हैंड्स विल बी वेरी गुड। अब इसके बाद आते हैं जीएस के ऊपर। जीएस के अंदर सब कहते हैं, मैं अग्री भी करता हूं कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होना चाहिए। मेरा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन थोड़ा लंबा ज्यादा हो जाता था, लेकिन हमेशा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन की जहां तक बात है, कई लोग हबल स्पोक मॉडल होता है और भी कई सारे मॉडल्स होते हैं वो सब बनाते हैं,
मैंने बहुत ट्राई करा लेकिन मुझसे बहुत अनटाइडी होता था वो, तो उसकी जगह पर मैंने हेडिंग ब्लैक में और पॉइंट्स ब्लू में, हेडिंग जो होती थी वो डब्बे में और फिर पॉइंट्स, सिंपल तरीके से मैंने आंसर लिखा और उसी हिसाब से फिर मैंने अपने मीन्स में आंसर्स को फॉलो करा। अच्छी हैंडराइटिंग, थोड़ा फैला के लिखना, बड़ा लिखना और दोनों दो लाइंस के बीच में स्पेस अच्छे से देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ताकि प्रेजेंटेबल लगे पढ़ने में भी आए। उसके बाद फिर मैंने जो मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ये सब थे, इनका यूज करा पर बहुत कम मात्रा में यूज करा। अगर आप कर सकते हैं तो फिर करें। मेरे पास अगेन जो एडवांटेज था वो स्पीड ऑफ हैंडराइटिंग था। अगर स्पीड ऑफ हैंडराइटिंग कम है तो फिर हब एंड स्पोक मॉडल, डायग्राम्स ये सब बहुत मदद करते हैं। इसके बाद फिर मुझे कई सारे कोचिंग्स के जो मॉक टेस्ट थे, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए, उसके अंदर एक रिव्यू हमेशा ये मिला कि मैं कोट बहुत ज्यादा कर रहा हूँ लोगों को, जैसे मैंने बताया, और वो नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो ऑप्शनल जैसा लगने लगेगा। मैंने वो इनपुट लिया लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसे अप्लाई नहीं करा। मैंने खूब सारे कोट करा और जिन जिन पेपर्स में मैंने कोट करा है लोगों को, उन सारे पेपर्स में मुझे ज्यादा मार्क्स मिले हैं बनस्पत उनके जिसके अंदर मैंने कम कोट करा हो। कोट लेकिन उनको नहीं करना चाहिए जो आपके ऑप्शनल के थ्योरेटिशियंस हैं। कोट उनको कर सकते हैं जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते हैं, जो कि फेमस हैं, जो रेलेवेंट हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मैं अमिताभ कांत सर का कोई कोट करता हूं और वो ब्यूरोक्रेसी में चल रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के टॉप रंग्स में हैं, अब उनको अगर मैं कोट कर रहा हूं तो एग्जामिनर भी सोचेगा हाँ ही वॉन्ट्स टू गेट इन टू द सर्विसेज, और उसके जो टॉप रंग के ऑफिसर्स हैं उन्हीं को कोट करता है, तो फिर एक अच्छी इमेज जाती है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए इशू नहीं था इसके अंदर। ये आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। मेरा रैंडम था, मैं कभी क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 9, फिर क्वेश्चन 8, फिर 7, फिर 20, रैंडमली मैं जाता था। बट अगेन वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस फॉर्मेट में जाना चाहते हैं। दो रीजन थे, एक ये था कि जो पहले आता है वो कर लो, टाइम में हर एक को इक्वल देता था, 10 मार्क वालों को शायद 7 मिनट दिया करते थे और 15 वालों को 9-10 मिनट, टाइम हर एक को इक्वल है, लेकिन जो पहले पता है उसे पहले लिख लिया। और इससे ये भी होता था कि जो आंसर कॉपी में होता है कि पहले आंसर की राइटिंग बहुत अच्छी और आखिरी वाले की बहुत खराब, ऐसा नहीं होता था। मेरे पूरे में एक जैसी हैंडराइटिंग क्वालिटी वाइज एक जैसी होती थी। एथिक्स इंटेग्रिटी के अंदर जो मैंने यही ब्यूरोक्रेट्स की बुक्स पढ़ी थी उन्हीं के इंस्टेंसेस मैंने कोट करे, तो फिर उन इंस्टेंसेस से जो एग्जाम्पल्स थे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बन गए, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से फायदा हुआ। अब अगर इतनी बुक्स नहीं पढ़नी है तो क्या करें, क्योंकि अगर आप अभी अगले साल ही दे रहे हैं तो इतना तो नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक जुगाड़ हो सकता है, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाएं, हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी उठाएं, उसके अंदर बुक रिव्यू सेक्शन होता है। बुक रिव्यू सेक्शन में जो भी रेलेवेंट किताब है उसके बारे में 4-5 लाइनें लिखी हुई, उससे आइडिया लग जाएगा बुक का मेन आइडिया क्या है। वो एक जगह पर लिख लीजिए 25-30 किताबें और उनको कोट कर दीजिए, एग्जामिनर को लगेगा कि आपने किताब ही पढ़ रखी है, तो एक ये जुगाड़ हो सकता है। इसके बाद फिर जो जीएस है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ आता होगा, पर 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं आता। जो 15 क्वेश्चन आपको आते हैं वो 15 क्वेश्चन हर एक को आते हैं, तो नॉलेज बेस क्योंकि हर एक का सेम है, उन 4-5 क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हो उसके बेसिस पे मार्क्स मेरे हिसाब से डिफर करते हो। अगेन जुगाड़ कम्स बैक, जुगाड़ कैसे लगाना है, उसके अंदर आपका जो स्मार्ट वर्क है वो काम आएगा। वो कैसे काम आएगा, आप टॉपर कॉपीज देखिए, उसके अंदर उन्होंने उन टफ क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कराए उन्हें देखिए, तब आपको समझ में आएगा। आपको अगर 10 यूनिट नॉलेज आती है आपको ऐसे लिखना है कि वो 30 यूनिट नॉलेज हो। इंटरव्यू डायलॉग है, ये मोनोलॉग है, एक तरफी बात है, तो आप जैसा पोर्ट्रे करेंगे वैसा होगा। अगर कुछ नहीं आता तो किसी भी इशू के प्रोस कॉन्स वे फॉरवर्ड ये तो लिखे ही जा सकते हैं, या फिर किसी भी चीज का कल्चरल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, एथिकल डायमेंशन, ये सब तो लिखे ही जा सकते हैं। अगर मुझे जैसे हमारे में एलईडी का एक क्वेश्चन आया था, ब्लू एलईडी का, मुझे आइडिया नहीं था लेकिन एलईडी है तो फिर उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके कल्चरल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, हम उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स में कैसे सिनर्जाइज कर सकते हैं, ये सारी बातें लिख के आराम से 2-3 पेजेस लिखे जा सकते हैं, उसमें कॉमन सेंस लगती है। और यही आंसर मेरे हिसाब से वो है जो डिफरेंस बनाएंगे।
Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer three types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. इसके बाद अब मैं ट्रांजिशन पीरियड्स की बात करना चाहता हूँ, प्रीलिम्स से मेंस और मेंस से इंटरव्यू। प्रीलिम्स का रिजल्ट 19-20 दिन में आ जाता है। वो जो 19 दिन होते हैं उसमें पढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रीलिम्स, इन द रन अप टू द प्रीलिम्स बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मैं यूजुअली 6-7 घंटे पढ़ता था, उस टाइम पे 8-9 घंटे तक पढ़ने लग गया था तो थकान हो जाती है। उन 19 दिन में सारे टॉपर्स जो हैं वो कहते हैं कि फिर भी कुछ कुछ पढ़ते रहो, प्रेपरेशन शुरू कर दो। मेरा मानना है कि हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, पर उन 19 दिन में से कम 8-9-10 दिन थोड़ा सा रिलैक्स करें, ताकि फिर जब वो प्लंज लेनी हो फिर से मेंस के लिए तो फिर ले सकें। थोड़ा रिलैक्सेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने 10 महीने प्रीलिम्स को दिए थे एमसीक्यू सॉल्व करने में, उसके बाद वापस से आंसर राइटिंग मोड में आना, जो कि मेरा फोर्टे था, वहां पर आना, वो ट्रांजिशन बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप ऑलरेडी थके हुए हैं तो वो ट्रांजिशन और मुश्किल हो जाएगा। और उस ट्रांजिशन पीरियड में आप ये देख लीजिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी है, आपको कहाँ के मॉक टेस्ट लेने हैं, कितने मॉक टेस्ट लेने हैं, कैसे लेने हैं, घर बैठ के लेने हैं या सेंटर में जाके देने हैं, वो सारी प्लानिंग कर लीजिए। दूसरा, मेंस और इंटरव्यू के बीच में, मेंस और इंटरव्यू के बीच में जो मेंस और मेंस के रिजल्ट के बीच का टाइम है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 महीने लगते हैं, उस टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, पढ़ने का मन भी नहीं करता है। उस टाइम पीरियड में मैं पढ़ नहीं पाया था, लेकिन अगर मौका मिलता तो मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ता, इंटरव्यू के लिए नहीं। बिकॉज इंटरव्यू में अगर आप देखें तो 10-15 दिन की ही मेहनत लगती है, उसके बाद कितनी मेहनत कर ले उसी लेवल पे ही रहते हैं। तो उस पीरियड में मेरा मानना है कि प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन अगर मेरा इस साल नहीं होता, 1 महीने पहले तक मुझे पता नहीं था कि मेरा कहीं भी होगा कि नहीं, अगर मैं इस बार नहीं निकाल पाता तो इस बार का प्रीलिम्स मैं क्लियर नहीं कर सकता था। तो मेंस और मेंस के रिजल्ट के बीच में आप जो प्रीलिम्स है उसमें एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। जैसे ही मेंस का रिजल्ट आए, एकदम से मेरे हिसाब से प्रेपरेशन जो है उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके बेसिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। उस डैफ को बहुत ध्यान से भरें, कई सारे लोगों से कंसल्ट करें जो ब्यूरोक्रेसी में हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उनको कंसल्ट करें, ये देखें कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। डैफ भरने के बाद मेरे हिसाब से प्रेपरेशंस, क्योंकि मेरे पास मेंस रिजल्ट और मेरे इंटरव्यू के बीच में कम टाइम था, प्रेपरेशन से पहले कुछ मॉक टेस्ट दे दीजिए, कुछ मॉक इंटरव्यूज दे दीजिए। बिकॉज जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ पे आप एटिकेट भी समझने जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे हैंड मूवमेंट नहीं करना होता है या फिर किस तरह से बोलना होता है, वो कर लीजिए। इंटरव्यू की प्रेपरेशन नॉलेज बेस अगर आपने मींस क्लियर करा है आपके पास ऑलरेडी है, और जहां तक एटिकेट की बात है वो आपको मॉक इंटरव्यू से पता चलेगा, जो आपके पर्टिकुलर डिटेल्स हैं आपके सिटी के बारे में, स्टेट के बारे में और रीसेंट चीजें, वो 5-10 दिन में कवर हो जाता है। तो सबसे पहले जो भी मॉक इंटरव्यू हो रहा हो वहां जाके उसे दे दें, ताकि प्रोसेस से आप इनिशिएट हो जाएं, जो काम की चीजें नहीं है वो आप ना करें, क्योंकि इसके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो है नहीं, इसके अंदर कोई सिलेबस भी नहीं है, तो यही आपका एक पास्ट ईयर क्वेश्चंस का रिप्लेसमेंट होगा। ये हो गया पर्सनालिटी टेस्ट का। एंड में मैं बस ये कहूँगा कि दिस इज मोर ऑफ अ मेंटल एक्सरसाइज, मोर ऑफ एन इमोशनल टेस्ट देन योर नॉलेज टेस्ट। तो इसके अंदर आप लोग करेज रखें, इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। प्रीलिम्स का मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करें और कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।